हाय डियर स्टूडेंट, मैं कुलदीप ठेला आज आपको लास्ट की जो क्लास में बचा था, जो लास्ट की क्लास में जो क्वेश्चन लिखाया था उसको आज सोल्व करवाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखवाया था, उसमें बताया था कि हमें एक सर्कल दे रखा है। इस सर्कल में ध्यान दो, इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखी है और सेंटर पर जो एंगल सब्स्टिट्यूट हो रहा है वो 90 डिग्री है और हमें यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, यानी कि ए से बी तक की डिस्टेंस निकालनी है। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि हमें यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, ये वाली लेंथ में निकालनी है। तो इसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया था। देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, रेडियस हमें दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर, और एंगल कितना दे रखा है, एंगल मीन्स थीटा, थीटा हमें रिप्रेजेंट कर रखा है 90 डिग्री, और हमें निकालना है यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि हम यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे। उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था पाई आर थीटा रूट 180 डिग्री। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर होती है 22/7। आर की वैल्यू होती है, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो, आर की वैल्यू 7 दे रखी है, थीटा कितना दे रखा है 90 डिग्री, और अपोन में क्या दे रखा है 180। ये 180 को 2 टाइम्स डिवाइड कर देगा, 7 7 को कर देगा, इसको इससे क्या कितना आ जाएगा 11, यानी कि 11 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। और ध्यान दीजिएगा, लेंथ ऑफ आर्क की जो यूनिट्स होती है वो सेंटीमीटर होती है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों, हमें मैंने कल आपको फॉर्मूला लिखाया था माइनर सेगमेंट फाइंड करने के लिए। तो माइनर सेगमेंट को हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इसका फिगर। देखिएगा, ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, जो कि हमें यहाँ पे गिवन कर रखी है 7 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, और एंगल हमें 90 डिग्री दे रखा है, यानी कि यहाँ पे एंगल कितना दे रखा है 90 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। तो माइनर सेगमेंट दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था, ये शेडेड पोर्शन को हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं। ओके, इसको हमें फाइंड करना है, इसको क्या बोला है, माइनर सेगमेंट। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन इसका क्या है, इसका सॉल्यूशन देखो आप, इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, रेडियस 7 सेंटीमीटर, एंगल 90 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फाइंड करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कल। अगर बच्चों, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते इस चैप्टर से रिलेटेड। आपको फॉर्मूले याद करना इज वेरी कंपलसरी है, याद रख लेना। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इसमें इसका फॉर्मूला एक बार फिर वापस रिपीट करा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन
360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू इंटू साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू इंटू साइन थीटा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें दे रखा है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7, आर के में दे रखी है 7 का स्क्वायर, थीटा यहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है कितना 90, और एंगल दे रखा है 360 माइनस आर की वैल्यू में दे रखी है 7 का स्क्वायर इंटू साइन कितना डिग्री 90 डिग्री, और अपॉन में क्या दे रखा है 2 दे रखा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा 4 टाइम्स। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यह बचा है हमारे पास 22 इंटू 7 इंटू 7, और अपॉन में क्या बचेगा 7 इंटू 4। तो ध्यान दो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हुआ तो कितना बचा 11। ओके, तो 11 को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 77 अपॉन 2, एक साइड हमारे ये छोड़ दो, लेकिन अभी हमारे पास ये वाला पोर्शन बचा है। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 अपॉन 2। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जब ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर उठाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री वाले में आपको बताऊंगा कि कैसे वैल्यू फाइंड होती है, ध्यान देना। आपको अभी सिर्फ सिंपली यहाँ पे याद रखना है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। सिर्फ अभी आपको ये याद रखना है कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं आपको एक टेबल लिखाऊंगा, उस टेबल के थ्रू आपको वहाँ पे बताऊंगा कि कैसे आप वैल्यू फाइंड करोगे, कैसे कितने डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो वहां पर मैं इस चीज का डिस्क्राइब करूंगा। अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइन 90 की जगह क्या पुट करूंगा 1, और यहाँ पर मेरे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, इसका ध्यान दो, माइनस 49 अपॉन 2। अब ध्यान दो, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम है 2, ये कितना बचा 77 माइनस यहाँ कितना आएगा 49, इसको इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे तो सबट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा बताओ 8, और फिर यहाँ 6 बचा, ये इसमें से माइनस होगा तो 2, और अपॉन कितना आएगा 2, यानी कि हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लीजिएगा, कभी कभी गलती भी हो जाती है सबट्रैक्ट करने में, देखो एक बार चेक कर लो, ओके तो ये इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ, आप इसको घर पे कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा देखिएगा, मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, ये आपको यहाँ पे 8 दे रखा है, याद रखना 8 सेंटीमीटर, और एंगल कितना दे रखा है 90 डिग्री,
तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में मैंने आपको दिया है, SW, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर रेडियस 8 दे रखी है, एंगल 90 दे रखा है, और आपको इसमें फाइंड क्या करना है, ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है। फर्स्ट में लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है, सेकंड नंबर पे आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, सेक्टर में कौन सा वाला फाइंड करना है, माइनर। अगर आपको नहीं दे रखा है तो आप केवल माइनर का ही लगाएंगे, और अगर आपको मेजर की जब तक नहीं बोलता तब तक आप मेजर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको ध्यान रखना उसमें डिस्क्राइब नहीं कर रखा है कि माइनर फाइंड करना है या मेजर फाइंड करना है, अगर उसमें डिस्क्राइब कर रखा है कि साहब मेजर फाइंड करना है तो आप मेजर का फॉर्मूला लगाना, नहीं कर रखा है तो आपको माइनर का ही फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान दो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। ओके।